आज मैं लोकल स्तर पे कहूँ तो खिलाड़ियों के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दी है, निःशुल्क हमने खाना भी दिया है। अभी देवेंद्र जी ने कहा 30 करोड़ रुपए सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के इस खेल के लिए इस हिंदुस्तान की सरकार खर्च करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होते, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। चलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे आज भी याद है, मुझे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का सर बहुत बहुत धन्यवाद, भारत एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगा उन खेलों में, क्योंकि हमारी जो स्कीमें हैं वो ग्रास रूट पे लागू हो चुका है। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स का ये पहला कार्यक्रम है जो चुरू में हो रहा है। राम राम नमस्कार, मैं पंकज थे देख रहे हो जलको चूरू। जलको चूरू पर तारो स्वागत है। अब आज ऐडा हाँ जिला स्टेडियम के अंदर 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलीट्स जो कि चैंपियनशिप है बी को आयोजन है जो चूरू स्टेडियम के अंदर है जो करे जा रहे हैं। बैठे देवेंद्र जी जाजड़ी हैं, जगह पैरा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, साथ में पद्म भूषण भी सम्मानित हैं भारत सरकार द्वारा, और इसके साथ में ही जगह राजेंद्र जी राठौड़ हैं का दिग्गज नेता ही वह भी हटाऊंगा समारोह के अंदर जगह दिव्यांग ही जगह भाई प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं बन है जो मोटिवेट करवा के लिए। और ये अध्यक्षता की तो बात करें तो देवेंद्र जी झाजड़िया हैं जगह ये अध्यक्षता कर रहे हैं 13वीं राज्य स्तरीय सीनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को है जो चूरू जिला के अंदर है जो आयोजन हो रही है, उद्घाटन समारोह है, उद्घाटन समारोह जो है वो आज करे जा रहे। राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियन के इस उद्घाटन समारोह में मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सबके आदरणीय, और मैं यो कहूं कि यदि किसी युवा को यूथ को कोई सोच रहा है कि मुझे डेमोक्रेसी में पीएचडी करनी है तो मैं कहता हूं कि उनके घर पे आपको 1 महीने टाइम देना चाहिए, तब आपके समझ में आ जाए कि इंडियन डेमोक्रेसी के मजबूत स्तंभ क्या है। ऐसे शख्सियत के धनी माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपनी पूरी लाइफ जन सेवा में समर्पित कर दी इन्होंने। मैं तहे दिल से आपका इस पैरा एथलेटिक्स उद्घाटन समारोह में राठौड़ साहब आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करता हूं। आज सबसे यदि ज्यादा खुशी किसी को है तो मैं मानता हूं वो मुझे है। आज भी मुझे वो पल याद है जब मेरे पिताजी जाते थे, मैं खेलता था तब, तो जब सरकार के पास जाते थे तो अधिकारी कहते थे कि ये पैरा खेल क्या होते हैं। आज इस पैरा खेल को पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। आज भी मुझे वो पल याद है जब मैं लोकल ट्रेन में जाकर के मैं बेंगलोर खेल के आता था नेशनल चैंपियनशिप, और वहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती थी। आज मैं लोकल स्तर पे कहूं तो खिलाड़ियों के लिए हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सुविधा भी दी है, निःशुल्क हमने खाना भी दिया है और हमने गेस्ट हाउस भी दिया इनको रहने के लिए। इंटरनेशनल लेवल के क्लासिफायर आए हैं यहाँ पे, अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे खिलाड़ियों का ताकि उनको आगे जाकर के किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। मुझे वो पल याद है 2004 का जब मैं प्रेफरेंस पैरा ओलंपिक में जा रहा था और मुझे एक पैसा नहीं दिया भारत सरकार, मैं मेरे खुद के पैसे से गया था वहां, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ये था कि मुझे इस देश के लिए खेलना है। जब मैं 2003 के अंदर ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था बर्मिंघम में, और आज भी वो दिन मुझे याद है, वो 15 अगस्त का दिन था। तो मुझे वहां से जब मीडिया ने पूछा कि आज कैसा महसूस कर रहे हो आप, मैंने कहा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का पल है कि आज मैं यहां ब्रिमिंगम में मैं मेरा राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा हूं, मेरे तिरंगे का मान सम्मान बना रहा हूं। वहां से मुझे ऑफर मिला कि आप हमारे यूके की तरफ से खेलो, आपको हर सुविधाएं दी जाएंगी। मैंने कहा मुझे कुछ भी सुविधाएं ना मिले लेकिन मुझे मेरे देश की तरफ से खेलना है। लेकिन वो सपना जब मेरा पूरा हुआ
मैंने कहा एक दिन वो सपना मेरा इसलिए पूरा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा इस देश में जो इस पैरा स्पोर्ट्स को समझेगा, और वो व्यक्ति 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शपथ ली, तो मुझे एक आस थी कि ये पैरा खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल करेंगे। और उनका पहला स्टेटमेंट था जब हम मिले थे उनसे, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी एक बहुत समस्या है, खिलाड़ी जीत करके आ जाते हैं, चार चार साल तक उनके कैसे अवार्ड नहीं मिलता, उन खिलाड़ियों को हौसला टूट जाता है। तो उन्होंने वादा किया कि खिलाड़ी जब जीत करके आएगा तो वो दिल्ली से जाएगा अपने माँ बाप से मिलने, तो वो चेक हाथ में लेकर के जाएगा। उसके बाद जब भी टूर्नामेंट होते हैं, खिलाड़ी जीत के आते हैं, दिल्ली के अशोका होटल में रोका जाता और उनको चेक हाथ में दे करके ही भेजा जाता है। भारत सरकार की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, उसने खिलाड़ियों का नक्शा बदल दिया। आज हर खिलाड़ी गरीब किसान परिवार से जाते हैं, 80% खिलाड़ी, जो खिलाड़ी कभी अच्छे से बस में नहीं बैठ पाए थे, ट्रेन में नहीं बैठ पाए थे, मैं उनमें शामिल हूँ, आज उनको निःशुल्क हवाई यात्रा दी जाती है खेलो इंडिया के तहत। अभी हाल ही में फर्स्ट पैरो इंडिया खेल आपने देखा होगा जो दिल्ली में हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार प्रसार हुआ उसका, भारत सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च किए उन खेलों के आयोजन के लिए। मुझे आज भी याद है जब मुझे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी कहा सर बहुत बहुत धन्यवाद किसी पहले पैरा एथलीट को और किसी राजस्थान के पहले खिलाड़ी को ही आप अवार्ड दे रहे हो। तो उन्होंने जो बात कही कि देवेंद्र मैं चाहता हूं इस देश का युवा कोई निराश ना हो, मैं ऐसा काम करूं। मैं बता रहा था 2004 की बात मित्रों, जब मुझे पैसा भर के जाना पड़ा था और बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन जब मैं 2016 रियो पैरालंपिक्स में गया था, तो मुझे कम से कम उससे पहले मेरे पे भारत सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए थे ट्रेनिंग के। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बोला था कि ये विकलांग नहीं ये दिव्यांग है। उस मन की बात से हमारे जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी थे उनको बहुत बड़ा हौसला मिला और ताकत मिली। अभी आने वाले जो खेल हैं, चाहे पेरिस पैरालंपिक हो चाहे ओलंपिक हो, मैं वादा करता हूं उसमें मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, भारत एक ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगा उन खेलों में, क्योंकि हमारी जो स्कीमें हैं वो ग्रास रूट पे लागू हो चुकी है। खेल में मैं कह सकता हूं कि खेल में जो हमारा एक सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में विकसित भारत का सपना जो देख रहे हैं, हमारा जो संकल्प है, वो मैं उम्मीद लगाता हूं कि ऐसे सुविधाएं मिलती रही तो हम विकसित राष्ट्रों से भी आगे निकल जाएंगे खेल में 2030 से पहले पहले। राठौड़ साहब अब तो आपकी सरकार है, मैं आपसे उम्मीद नहीं, मैं हक मानता हूं मेरा कि आपसे मैं ले सकता हूं कभी भी इन पैरा खिलाड़ियों के या खिलाड़ियों के किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। ज्यादा न बोल करके मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाला भविष्य है वो हमारा होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। जिनकी पहचान बनी है, जिनका कल भी बहुत सुंदर होगा अतीत की तरह, ऐसे श्री देवेंद्र जी झाझड़िया साहब मंच पर विराजे, जिनके साथ मैं पहली बार स्वागत कार्यक्रम में विधायक की कुर्सी पर बैठे हुए स्वीकृत हासिल कर रहा हूं, मेरे लिए परम हर्ष का विषय है। मेरे छोटे भाई हरलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई बसंत जी, भाई वासु जी, दीपचंद जी, भाई विक्रम जी, भाई ओम जी, भाई सुरेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल जगत में हमारा नाम करने वाले भाई सुरेंद्र जी, अनेक प्रदेश और देश और विश्व स्तर के पैरा खेलों में अपनी पहचान बना चुके खिलाड़ियों, और आज इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश भर से आए हुए दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के आमंत्रण पर आए खिलाड़ियों और बंधुओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरी यादगार में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स का ये पहला कार्यक्रम है जो चूरू में हो रहा है, प्रदेश भर का
निश्चित तौर पर खेल स्टेडियम के इस मैदान से जिन प्रतियोगिता का जिक्र अभी देवेंद्र जी ने किया, चाहे वो पेरिस में हो या दूसरे देश में हो, उसमें हमारा नाम उज्जवल करने वाले खिलाड़ी इसी मैदान से निकल कर आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी भाई झाझड़िया जी ने अपने संघर्ष की गाथा सुनाई, एक छोटे से गांव में रहकर बचपन में आप अपना हाथ गंवाकर लकड़ी फेंक फेंक कर अपने शौक को पूरा करने वाला यह नौजवान आज दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर दीप्तिमान सितारे की तरह जगमगा रहा है। इनकी जीवटता, इनके संघर्ष की गाथा को जब सुनते हैं तो रोमांच भी हो उठता है और लगता है कि आप सब लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है। दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस खेल खिलाड़ी, खेल मैदान और खेल के महत्व और खेल जगत में हिंदुस्तान की चमक की वो कहानी लिख डाली। हर कार्यक्रम में उन्होंने खिलाड़ियों को उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, सुविधाएं दी। आज हमें देख रहे हैं ओलंपिक का गेम हो, एशियाड का गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, पैरा एशिया का गेम हो, हम झोली भरकर पदक जीत कर लौटते हैं। पहले वो समय था जब ना खेल खिलाड़ी के लिए सुविधाएं उपलब्ध थी, ना उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ते थे। अभी देवेंद्र जी ने कहा 30 करोड़ रुपए सिर्फ पैरा खिलाड़ियों के इस खेल के लिए इस हिंदुस्तान की सरकार खर्च करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं तो इस अवसर पर एक ही बात कहूंगा कि आप दिव्यांग हैं, भगवान ने हम सब लोगों से ज्यादा आप में हिम्मत और पुरुषार्थ दिया है और उसी कारण से आज आप संघर्ष की वो गाथा, वो कहानी लिख सकते हो जो आम आदमी नहीं लिख सकता। इस खेल के अंदर आप भाग ले रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां रही होगी कि आपने अपने आप को सामान्य जिंदगी से लेकर खेल के मैदान तक डालने की कोशिश की। कहा गया है कि जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ये खिलाड़ी हमारा मान और सम्मान बनेंगे, जीवन का हर पहलू संघर्ष है, जीवन का हर पहलू प्रतिस्पर्धा है। इस प्रतिस्पर्धा में जो मजबूती से आगे बढ़ता है विजय सिर्फ उसी को मिलती है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज के आयोजक देवेंद्र जी को जरूर कहूंगा, देवेंद्र जी आपके अतीत को जब जानते हैं तो अच्छा लगता है, आपका वर्तमान भी शानदार है, आप एक नई पारी इस जिले में खेले, आपका भविष्य भी सुखद रहेगा, सब लोग आपके साथ रहेंगे। और आखिर में किसी शायर ने कहा है, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होते, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। इस उजाले में आगे बढ़ो, ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप हम सबके नेता और पिछले 35 साल से सबके दुख और सुख के साथी परम आदरणीय राजा राठौर साहब, राजस्थान चूरू नहीं राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में इस चूरू का नाम रोशन करने वाले, इस दुनिया में एक बार नहीं दो बार लगातार गोल्ड जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया जी, कार्यक्रम पधारे पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रसन्न जी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी, बड़े भाई योग जी सारस्वत साहब, पूरा प्रमुख महेंद्र जी, प्रधान चित्रनाथ साहब, पूरे प्रधान विक्रम जी, मंडल देव सुरेश जी, सभी पधारे पत्रकार बंधु और प्रदेश और देश से पधारे हुए खिलाड़ी प्रेम खिलाड़ी प्रेमियों, चूरू में पधारे हुए सरपंच साहिबान जनपदगढ़, मैं इस अवसर पर सबका खिलाड़ियों अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इस चूरू का सौभाग्य है कि राजस्थान के तीसरी बार इस स्टेडियम में राष्ट्र भार के खिलाड़ी आके खेल के जाते हैं।
हमारा भी सौभाग्य है, खिलाड़ियों का भी, चूरू का भी सौभाग्य है कि आप जैसे खिलाड़ी यहाँ के खेल के जाएंगे। मैं देवेंद्र जी की बात कह सकता हूँ कि आपने दुनिया में दो बार नाम रोशन किया है, हम चाहेंगे कि तीसरी बार भी दुनिया में नाम रोशन करें। और राठौर साहब आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। इन खिलाड़ियों को अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप चूरू की धरती पधारे हो। मैं विधायक के नाते आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिव्यांग ही जगह मोटिवेट करने के लिए राजेंद्र राठौड़ और जगह भी शहर का दिग्गज जगह नेता है, विधायक वगैरह भी आया, बहुत लोग है मोटिवेट कर रहे हैं। आप जुनून माँ को देखस कहा कि मतलब फिजिकली हैंडीकेप होगी की तरीका से वह खेल न तो आगे बढ़ा रहे हैं और देश को आपको नाम रोशन करवा के लिए है, तो जी जान जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं पंकज कैमरामैन रमेश के साथ, राम राम साहब।